हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 16वां बाब 13-19 आयत तक। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग अपने इंसान को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बास यूहन्ना इस्तबागी कहते हैं, बास इलियास, बास इर्मिया या अंबिया में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा कि तू अलमसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। तो यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयोना, क्योंकि ये बात जिस्म और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू कैफा है और मैं इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम असफल के दरवाजे इस पर गालिब न आएंगे। और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधा रहेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुला रहेगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। असीस दोस्तों, आलमगीर क्लीसिया 22 फरवरी को मुकद्दस पत्रस रसूल की मसनद नशीनी की ईद मनाती है। मुकद्दस पत्रस रसूल की मसनद नशीनी की ईद आलमगीर क्लीसिया के सरबरा होते हुए मुकद्दस पत्रस और इसके जान नशीनों की खिदमत और इख्तियार पर मोहर तस्दीक सबत करती है। नीस ये आलमगीर क्लीसिया के इत्तेहाद की अलामत है। खुदावन यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया की बुनियाद मजबूत चट्टान यानी मुकद्दस पत्रस के ईमान के इकरार पर रखी और पापा आजम मुकद्दस पत्रस के जानशीन होते हुए इसी मजबूत ईमान और इख्तियार के साथ मसीह की कलीसिया की चौपाई करते हैं। पापा आजम तमाम बिशप साहबान के सरदार हैं, इसलिए वो बिशप साहबान और मोमिनीन के मबैन इत्तेहाद और यकजहती का दीदनी निशान है। आलमगीर क्लीसिया की बुनियाद रसूलों की तालीमात पर रखी गई है। सदियों के ईमानी और रूहानी सफर के दौरान बारहा कठिन और नाजुक लम्हात भी आए, लेकिन मसीह की क्लीसिया चट्टान की मानित कायम रही, इसलिए कि खुदा की कुदरत, उसकी ताकत और रूह कुदस की मामूरी और भरपूरी पापा आजम और बिशप साहबान की खिदमत के जरिए क्लीसिया में काम करती है। आए मुकद्दस पत्रस रसूल की मसनद नशीनी की ईद मनाते हुए अपने पापा आजम फ्रांसिस की खिदमत के लिए खुदा के शुक्रगुजार हों और अहद करें कि हम हमेशा इनके ताबेदार रहेंगे और इनके लिए दुआ करते रहेंगे। Radio Veritas Asia.